दिव्या, आज तेरी माँ ने ना फिर से खाने में नमक ज्यादा डाल दिया है। पापा सोच समझ के कहिए, वरना ऐसा ना हो कि आपको सोफे पे सोना पड़े। माँ भाई, ये क्या खुसुर-फुसुर चल रही माँ बेटी के बीच में, जरा हमें बताइए। वो एक्चुअली पापा कॉलेज की पिकनिक जा रही है तो मुझे भी जाना है। तो जाओ ना बेटा, किसने रोका है? बेटा थोड़ा सावधानी बरतना। हाँ तो पापा पिकनिक के लिए ना मुझे 5,000 रुपए चाहिए। बेटा ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम हमारी कंडीशन अच्छी तरह समझती हो, हम इतना फिजूल खर्च नहीं कर सकते बेटा। लेकिन पापा सब जा रहे हैं। हाँ तो बेटा जाने दीजिए उन्हें, हम बाद में फिर कभी किसी और जगह घूमने चले जाएंगे ना। बेटा इस बारे में मुझसे दोबारा मत पूछिएगा प्लीज। पापा पापा प्लीज, पापा एक बार जाने दीजिए प्लीज। बेटा प्लीज जिद मत कीजिए। बच्ची ना गिड़गिड़ा रही है। रोशनी तुम हमारी कंडीशन अच्छी तरह समझती हो फिर भी। हाँ लेकिन अगर बच्ची को जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो कहना आसान होता है, बाहर जाकर दो पैसे कमा कर दिखाओ तो पता चलेगा। पापा लेकिन सॉरी बेटा। तेरे पापा ने कभी हमारी खुशी नहीं देखी। दिव्या बेटा सब ठीक हो जाएगा। माँ मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे, मैं क्यों नहीं जा रही? मैंने तुझसे कहा ना, मैं कुछ करूंगी, तू जरूर जाएगी। रोशनी क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो उसे, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। आपने कभी चादर बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा अपने पैर सिखोड़े और हमें भी वही सिखाया। पता नहीं किस फक्कड़ से शादी हो गई है मेरी। ये तमीज है तुम्हारी बात करने की? ये संस्कार दे रही हो बच्ची को? संस्कारों से जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं होती मिस्टर अमित वर्मा, उसके लिए पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे जो आपके पास नहीं है। बस कीजिए आप लोग, कहीं नहीं जाना मुझे बस। मैंने तुझसे कहा ना तू जाएगी, जरूर जाएगी। रोशनी एक हफ्ते में लौटा देना हार। हाँ वैसे शादी कब है तेरी बहन की? अगले सोमवार को है। मैं तो नकली हार भी पहन लेती, लेकिन तू तो जानती है ना आजकल शादी ब्याह में औरतें चेक करती हैं हार असली है या नकली। अरे पूरे सोने का है ही, 5 लाख का है, जरा संभाल के। तो रीना कितने पैसे लेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है? 3 लाख रुपए, 4% ब्याज। ठीक है। अब भी नाराज है मेरी बच्ची मुझसे? देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। 2 हफ्ते ओवर टाइम किया है तब जाकर आपके पिकनिक के पैसे जमा हुए। 5,000? हाँ? ये तो सिर्फ जाने के खर्चे हैं, वहां जाने के बाद और भी खर्चा होगा, तो आप टोटल ना मुझे 10,000 दे दीजिए। बेटा बहुत मुश्किल से ये पैसे हासिल हुए हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना मेरी बच्ची। ये लीजिए आप अपने पास रखिए, आपके काम आएंगे। बेटा जी प्लीज इसे रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। बेटा मुझे नहीं चाहिए इसे, इसे आप ही रख लीजिए ठीक है। पूरे 10,000 रुपए, और ये देख मैं तेल लेके लेकर आई। माँ ठंड होगी ना? It's beautiful, माँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। तुझे पता है मैं अपने लिए साड़ियां भी लेकर आई हूँ।
ये देख। वाओ माँ, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। और ये देख, ये भी है। ब्यूटीफुल, दिखाइए। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? उधार लिए, लौटा दूंगी। इससे उधार लिया उसका चुकाया, उससे उधार लिया इसका चुकाया। प्लीज रोशनी, अब बस करो, वरना हम सब एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। जो भी होगा मैं खुद देख लूंगी, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। चल बेटा अंदर चल, तेरी सारी तैयारियां भी तो करनी है। चल चल। ये लो तुम्हारे पैसे। अब किसको बेवकूफ बनाया? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अपने काम से काम रखो। रोशनी उस मिजाज की औरत नहीं थी जो रिश्तों को रुपयों से ऊपर रखे। रुपयों के लिए किसी को भी दगा देना उसकी फितरत थी, और उसकी इसी फितरत का शिकार उसकी सहेली समीरा भी हुई। शादी में जाने का हवाला देकर जो हार रोशनी ने समीरा से लिया था, वो हार जब समीरा के पास वापस नहीं पहुंचा तो उसकी परेशानी के साथ साथ उसके पति का पारा भी बढ़ गया। खोलो दरवाजा, खोलो। मुझे तो लगता है अंदर ही है। ऐसा आपसे कितने पैसे लिए? मेरी दुकान से 45,000 का सामान लेके गई थी, अभी तक लौटा ही नहीं। और मुझसे 50,000 रुपए लेके गई थी, कहा था कि बेटी के एडमिशन के लिए चाहिए, और अभी तक नहीं लौटाए। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उसे 5,00,000 का हार देने की? 5,00,000 का हार मैं उसे हड़पने नहीं दूंगा ऐसे ही। खोलो दरवाजा, खोलो। भाई साहब आप कौन? देखिए मैं उस औरत का पति हूँ जिसके बारे में आप। देखिए सच कहूँ तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और अगर आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हैं तो मैं आप सब का पैसा दिलवाने की कोशिश करूंगा। वैसे आप लोगों को जो बेहतर लगता है आप कर सकते हैं, मेरा घर खुला हुआ है। देखिए इस वक्त रोशनी घर पर नहीं है, फिर भी आप लोग चाहते हैं तो घर की तलाश ले सकते हैं। देखिए हम आपको एक हफ्ते का टाइम देते हैं, अगर आपने हमारा पैसा दे दिया तो ठीक है, नहीं हम आपको घर के बाहर कर देंगे और हम घर के अंदर होंगे। चलो सब लोग। पता नहीं कैसी हो रही है, बताओ। क्या है ये सब? कहाँ है उसका हार? वो मैंने गिरवी रखा था दिव्या की पिकनिक के लिए। पर उससे तुमने 10,000 रुपए दिए हैं, बाकी के पैसे कहाँ गए? और वो राशन वाला, वो औरत जिसे तुमने दिव्या की फीस के नाम से पैसे लिए हैं, वो सारे पैसे खर्च हो गए। क्या करे तुम्हारा रोशनी? अरे तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि तुम फंसोगी। उस आदमी का गुस्सा देखा था तुमने? जैसे तैसे करके मैंने एक हफ्ते की मोहलत ली है, अब उसके बाद क्या होगा वो तुम जानना। आप फिलहाल अपने प्रोविडेंट फंड से निकाल के दे दीजिए ना, बाद की बाद में देख लेंगे हम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक अंधी हो जाओगी। अगर हम पीएफ का पैसा तोड़ देंगे तो आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? दिव्या की शादी कैसे होगी? चुपचाप वो हार वापस लेकर आओ और उन्हें वापस कराओ। और याद रखो, अगर इस घर में पुलिस आई तो तुम इस घर में नहीं रहोगे। मतलब आप हमारा साथ नहीं देंगे? अच्छा, तुम कोई देश के लिए मेडल जीत कर आई हो जो हम तुम्हारा साथ दें? रोशनी ये तुम्हारा फैलाया हुआ रायता है, तुम ही समेटोगे। शादीशुदा महिलाएं घर बैठे 50,000 से 1,00,000 रुपए तक कमा रही हैं। आप भी उनमें से एक हो सकती हैं।
Shruti.com। घबराइए नहीं, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और हाँ, अगर आप Naughty.com की परमानेंट मेंबर बनने में कामयाब हो गई तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको जिंदगी में पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? बहुत सिंपल है, यहाँ दूसरे शहरों से बड़े बड़े लोग आते हैं, कभी बिजनेस के लिए, कभी घूमने फिरने के लिए, और कभी बस ऐसे ही अकेले टाइम पास करने के लिए। उन सबको एक अच्छे साथी की जरूरत होती है जो उनका ख्याल रख सके, ठीक वैसे ही जैसे एक पत्नी अपने पति का ख्याल रखती है। आपको भी ऐसे ही किसी आदमी का ख्याल रखना है? ये तो गलत काम है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी एक बेटी है और आप मुझसे ही बात करें। अरे आप परेशान मत होइए, हमारे साथ काम करने वाली ज्यादातर औरतें आप ही की तरह हैं। अक्सर शादीशुदा लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होता ही है, वो भी तो सीक्रेट होता है। तो बस समझ लीजिए आपका भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और इसके लिए कीमत भी आपको मिलेगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यकीन कीजिए हम आपकी इस जिंदगी को पूरी तरह सीक्रेट रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। आपका सिर्फ एक सही फैसला आपके लिए अमीरी के दरवाजे खोल सकता है, फिर आप अपनी इस जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ देंगे। क्यों तुम बार बार फोन कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारा हार लौटा दूंगी, तुम्हारा फोन मत करना। मैं तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 5 लाख रुपए एडवांस चाहिए, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूं। ठीक है, रुपए आपको मिल जाएंगे। ठीक से चेक कर लो, मैं चलती हूं। खड़े क्यों हो गए? प्लीज सिट डाउन। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं तो देखिए अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप जा सकती हैं। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब अगर मैं चली गई वो बिंदिया कोई बात नहीं।
पैसे लो और जाओ यहां से अभी। या तो तुम ये पैसे उठाओ और अभी यहां से चली जाओ, या हर रोज मुझे अपनी खूबसूरती के दर्शन करवाओ। रुपयों की चकाचौंध ने रोशनी के दिलो दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया था। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की लालच रोशनी को लगातार दलदल में फंसाती जा रही थी, पर उसे इस बात पर कोई अफसोस नहीं था क्योंकि उसे उसकी कीमत मिल रही थी। ये कोई टाइम है घर पर आने का? कहाँ थी आप? और घर में इतने सारा कीमती सामान कहाँ से आ रहा है? मैंने बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस? कौन सा? लेदर का। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हम रशिया में भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तुमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया? किसके साथ? मिस्टर चोपड़ा। कब मिलवाओगी उनसे तुम? क्यों, तुम्हें शक है मुझ पे? नहीं, यकीन नहीं हो रहा। कहीं फिर से हम सब के लिए नई मुसीबत ना खड़ी कर दो, बस इसलिए। परेशान क्यों हो रही हो? अगर तुम्हारा पति मुझसे मिलना चाहता है तो मिलने पाऊं उससे? नहीं, अगर उसे जरा भी भनक लग गई ना तो मेरा जीना हराम कर देगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। तुम्हारा पति नहीं हूं मैं, पर मुझे अपना पति ही समझो। सच कहूं अमित साहब, आपकी वाइफ बहुत टैलेंटेड है। इनके आने से मेरे बिजनेस को बहुत फायदा पहुंचा है। अब मैं तो यहां रहता नहीं हूं, साल में एक आध महीने के लिए आता हूं। सच पूछिए तो अब रोशनी जी ने ही सारा बिजनेस संभाल रखा है। पर चोपड़ा साहब, रोशनी की ऐसी कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, तो फिर आप जैसी शख्सियत का इतना बड़ा बिजनेस वो अकेले कैसे संभाल सकती हैं? Exactly. अमित साहब, जब मैं रोशनी जी से पहली बार मिला था ना, तो मुझे यकीन नहीं था कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होगी कि ये मेरा दिल ही जीत लेंगी। सच है, मैं आज इनके सामने कन्फेस कर रहा हूं कि जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तो वही सोच लिया था कि मैं इन्हें कुछ दिन ट्राई करूंगा फिर भेज दूंगा, लेकिन डे बाय डे इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता गया, इतना अच्छा होता गया, इट्स अनबिलीवेबल। सच कहूं अमित साहब, आपके घर हीरा है हीरा, आप ही उसे पहचान नहीं पाए। देखिए ना चोपड़ा जी, यही मेरी कदर नहीं करते। अब चोपड़ा साहब, मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी बिटिया के कॉलेज का एग्जाम चल रहा है, तो अगर रोशनी घर जल्दी आ जाए करें ऑफिस से, तो बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। एक काम करते हैं, अगर मैं रोशनी जी का ऑफिस
यहीं आपके घर में शिफ्ट कर दूं तो? मैं यहाँ रहता तो नहीं हूँ, साल में कुछ ही दिनों के लिए आता हूँ। और फिर इतने बड़े ऑफिस का खर्चा भरना, और फिर आपको भी थोड़ी इनकम हो जाएगी, क्या कहते हैं? मैं क्या कहूँ चोपड़ा साहब, वो चोपड़ा साहब सच कहो तो आप मुझसे बेहतर सारी चीजें समझते हैं। तो ठीक है चोपड़ा साहब। दिव्या बेटा इनसे मिलो, चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब मेरी बेटी दिव्या। रोशनी और चोपड़ा मिलकर अमित को बेवकूफ बना रहे थे, और वो कांड जो होटल में होते थे वो अब घर पर होने लगे। चोपड़ा आकर रोशनी से उसके घर में बेझिझक मिलता था, लेकिन सच को छुपाने की हर एक कोशिश एक दिन नाकाम हो जाती है। अरे छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा तो? कोई नहीं आएगा। जो तुमने देखा वो तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती, लेकिन हाँ एक बात कहूंगी, ये जो ऐशो आराम की जिंदगी हमें मिल रही है ना, वो सिर्फ चोपड़ा अंकल की वजह से। जब तुम्हारे पापा ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया था तो चोपड़ा अंकल ने मुझे सहारा दिया, और अगर अगर वो नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। बेटा मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। बेटा प्लीज मेरी बात, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन।
रोशनी, बहुत दिनों से चोपड़ा जी नहीं आए घर में। तुम्हारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली वो कुछ दिनों के लिए रशिया गए। कुछ दिनों से देख रहा हूं थोड़ी गुमसुम सी रहने लगी। कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं, एग्जाम का प्रेशर है ना, मैं संभाल लूंगी उसे। क्या बात है बेटा जी, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप बहुत गुमसुम रहने लगे हो। पापा को नहीं बताओ कि क्या बात है? पापा, कुछ नहीं पापा, बस एग्जाम को लेकर थोड़ा टेंस हो। ओहो, एग्जाम को लेकर टेंस हो? पता है बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और बेटा, अब तो तुम्हें किसी चीज की कमी भी नहीं है, तुम्हारी मम्मी का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है ना बेटा? टेंशन मत ले, दिखा क्या कर रही है। से अर्जेंट मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ भाई, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मिस्टर चोपड़ा कहाँ है? उनका कोई आता पता नहीं है, ना उनका फोन लग रहा है। सिर पे कर्जे चढ़े जा रहे हैं और पैसे कहीं से नहीं आ रहे। अरे तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? उड़ गया होगा कहीं और। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे पैसे चाहिए। ये तो तू पहले भी मुझे कह चुकी है। मैं भी मिस्टर चोपड़ा का इंतजार कर रही हूँ और वो अपना फोन ही नहीं उठा रहा। तो अब मैं क्या करूं? ये तू जान, लेकिन एक बात याद रखना, तूने मेरे 3,40,000 रुपए देने हैं और मेरा पैसा मुझे चाहिए, समझी? नहीं है मेरे पास पैसे, जो करना है कर ले। ए, ज़्यादा चिल्लाना मत, मैंने जो चाहा वो कर दिया ना, तो तू ये थोबड़ा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। दिमाग ठंडा रख। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हारे पापा को सब कुछ बता देगी। हम पुलिस के पास चलते हैं ना, हम उनको सब कुछ बोल देंगे। नहीं नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। उसने मेरे कुछ फोटोग्राफ्स किसी वेबसाइट पर डाल रखे हैं। अगर हमने किसी से कुछ भी कहा तो वो फोटोग्राफ्स वो तुम्हारे पापा को भेज देगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, अगर मिस्टर चोपड़ा नहीं आए ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे और फिर तुम्हारी माँ के पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। नहीं माँ, अब टेंशन मत लो, आराम करो ना चाइल्ड लवर, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मेल करूं क्या? नहीं ठीक है। रोशनी एक मिनट, इधर आओ ना। तुमसे एक बात शेयर करनी थी। कहिए। एक्चुअली सरप्राइज है। पता है, मेरा
इंक्रीमेंट हुआ है। सच? पूरे 2000 रुपए का। और मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त कह रहे थे कि अमित घर पे खाना खिलाओ, तो हाँ तो बुलाइए ना उन्हें घर पर। श्योर? हाँ। ओह थैंक यू सो मच। कैसा है पहली बार हमारे घर आ रहा है? तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, पहले आना चाहिए था। मेरी वाइफ रोशनी। नमस्ते भाभी जी। राकेश मेरा बहुत खास दोस्त है। थैंक यू। मैं जरा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जानता नहीं हूं एक्चुअली। माँ वो बिंदे थी ना, क्या कह रही थी? यही कि वो मेरे घर और मेरे पति तक पहुंच चुकी है। बेटा मुझे लगता है कि हम दोनों का सफर सिर्फ यही था। आप ये क्या कह रही हो? आप पागल हो गई हो? बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इससे पहले कि तेरे पापा को कुछ भी पता चले मुझे जाने दे, और उनके लिए ये सब एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। माँ आप चुप करिए, ये सब आप क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सब कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ। देख बेटा हमारे पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, और बिंदिया उस औरत को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी की सगी नहीं। अपनी इज्जत कमाने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। बेटा सिर्फ कुछ दिनों की तकलीफ है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तू डॉक्टर बनना चाहती है ना? हाँ तू डॉक्टर बनना, तभी मेरी आत्मा खुश है। माँ फिर क्या कह रही है? मुझे डर लग रहा है, प्लीज। नहीं बेटा, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जाना होगा क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर सारे दरवाजे बंद हो जाते ना तो कोई एक दरवाजा जरूर खुलता है। आप वो बिंदिया से बात करके देखो ना, कोई रास्ता जरूर होगा। माँ एक रास्ता है। उसने मुझसे कहा कि एक झटके में तेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे। क्या ये मुमकिन है? बताना क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। मैं कुछ भी करूंगी पर अपनी मां को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती मैं। तेरे घर पे आई थी, ये एक अश्लील वेबसाइट चलाती है। ये पहले शादीशुदा औरतों को फंसाती है, उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराती है, और उनके थ्रू और औरतों और लड़कियों को फंसाती है।
वेलकम टू। मिस्टर चोपड़ा, कैसे हैं रोशनी जी? शर्म हो तुम। अंकल प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाना चाहती हो जा सकती हो, पर सोच लो उसके बाद तुम्हारी मम्मी का क्या होगा। वो बिंदिया आंटी है ना, अच्छी औरत नहीं है। सारे फोटोग्राफ्स तुम्हारे पापा को दिखा देंगी। एंड योर मॉम, शी बी फिनिश्ड। ओके, योर गो। जाना है तुम्हें, दरवाजा खुला है, गो। होटल जल्दी पहुंचे। कहाँ है मेरी बेटी? वो मेरे साथ नहीं है। मैंने उसे तुम्हारे साथ ऑटो में जाते हुए देखा था। बताओ कहाँ है मेरी बेटी? वैसे तुम्हारा डर भगाने के लिए एक टॉनिक है मेरे पास। पापा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जानता हूँ बेटी, अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब तेरी माँ ने अपने स्वार्थ के लिए किया बेटा। अमित जी, आपकी वाइफ को थाने लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, और मैं गवाही देने जरूर आऊंगा। बिंदिया को ब्लैकमेलिंग और अश्लील वेबसाइट चलाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 383 और 292 के तहत 5 साल की सजा हुई। हर वो तरीका, हर वो शख्स जो पलक झपकते ही हमें रुपयों से मालामाल करने का दावा करता है, वो यकीनन गलत है। परिवार की खुशी उसकी एकता और आपसी विश्वास में है, उसे बनाए रखिए। और साथ ही इंटरनेट से जुड़े उन वेबसाइट से सावधान रहें जो हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने ऐसे वेबसाइट्स को रोकने के लिए एक साइबर सेल बना रखी है। जरूरत पड़ने पर आप अपनी शिकायत वहां पर दर्ज कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं इतिन तेजवानी अब आपसे इजाजत लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।